नमस्कार दोस्तों, भेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.94% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले तीन दिन से लगातार स्टॉक में बुलिश कैंडल भी बन रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आने वाला है या फिर गिरावट आने वाला है। तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो तो भेल शेयर स्टॉक ऊपर एग्जैक्ट लेके हायर है के कंडीशन बनाए के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 150 का रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया, स्टॉक हाई लगा 275 या 276 को, देन इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक हाई लगा 334 रुपये में। तो उसी एक और कंडीशन अगर आप देखेंगे, स्टॉक काफ़ी समय तक यहाँ पर रेंज बनाया था, अब इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा। और अभी के लिए देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है 248.50 के पास में, और एक सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 208 रुपये में। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को नोटिस करें तो देख सकते हो स्टॉक अप एग्जैक्ट लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि तीन दिन से लगातार बुलिश कैंडल बन रहा और स्टॉक ने आज यहाँ पे जो अपने ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी जहाँ पे क्लोजिंग दिया ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस के पास में स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। अगर ये अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपके सामने टारगेट रहेगा 305.50 में, और उसके बाद टारगेट रहेगा 326.60, नेक्स्ट रहेगा 334 में। दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।